अदा की रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज। रमजान के तीसरे जुम्मे की नमाज लोगों ने अपने अपने घरों में अदा की। शहर की जामा मस्जिद और ईदगाह सहित अन्य सभी मस्जिदों में सिर्फ इमाम और मौलाना ने ही नमाज अदा की है। जुम्मे की अजान से पहले पेश इमाम और मौलाना ने नमाज की और रमजान की अहमियत, शबाब और दीनी बातों पर तहकीक की। इस दौरान रोजे की फजीलत पर रोशनी डाली गई। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों से कोरोना बीमारी को नष्ट कर देश में अमन चैन खुशहाली के अल्लाह से दुआएं मांगी। उल्लेखनीय है कि इस्लाम में जुम्मा की बड़ी फजीलत है। आम जुम्मा में भी लोग नमाजियों की तादाद काफी ज्यादा होती है, लेकिन रमजान महीने के जुम्मा में बहुत बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। इस बार कोरोना वायरस को लेकर लगाए गए लॉकडाउन को लेकर लोग घरों में ही नमाज अदा कर रहे हैं। इन कारणों से पहले दो जुम्मों पर रोजा न रखने वालों ने भी तीसरे जुम्मे पर रोजा रखा। रोजा रखने वाले हर मुसलमान को इससे सीख मिलती है कि पूरी जिंदगी हराम और बुरे कामों से दूर रहो। सूफी इस्लामिक बोर्ड जयपुर के अध्यक्ष मोहम्मद वाहिद यजदानी ने बताया है कि रोजा रखने के लिए ताकत नियत की जरूरत है। कोरोना महामारी के कारण पूरी मानवता पर संकट आ गया है, इसलिए अल्लाह की इबादत घर में रहकर करें।